A very good morning, my dear students. A warm welcome. A very, very good morning. Again, the time comes that I've already come and we'll meet together and do wonders. और आज तो हमारा chapter भी अलग है, my dear बच्चों. आज तो हम dispersion करने वाले हैं. On your request, बहुत ज़्यादा request आ रही थी. मैम हमको standard deviation करना है. तो बस आज वो दिन आ गया मेरे बच्चों, हम आज standard deviation करने वाले हैं. With a very, very, very great efforts. Hey, good morning, guys, my dear students have already come. Pooja is role number one today. मैं हर बार बोलती हूँ. Then I have Aditi, I have Richa, Arpita. A very good morning, my dear Hema. Good morning. बहुत 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 स्वागत है तुम लोगों का. So I hope you all are feeling excited regarding this. Yes or no? Come on, tell me yes or no. Yes, you are. I know this. Yeah, come on. Let the student join. तब तक हम अपनी introduction यहाँ पे खोल देते हैं, क्योंकि कई बार नए नए बच्चे आते हैं तो उनको पता होना चाहिए. क्या आखिर मैम का नाम क्या है यार, जैसे हम पढ़ने लगे हैं. दिस इज डॉक्टर नितिका भंडारी. एंड गाइज, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड द थिंग इज, प्लीज अपने कॉपी और पेन को अपने साथ रखना. सो गाइज, सेंट्रल टेंडेंसी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. Hi Joban, how are you, my dear? Central tendency में तो I guess किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो तो clear ही है ना. आनंद भी आ गया. Good morning आनंद. आनंद सवेर, आनंद का मतलब खुशी होता है ना. बहुत खुशी वाली सुबह में तुम लोगों का स्वागत है guys. कहते सुबह के टाइम पे खुश रहो ना, सुबह के टाइम पे हंसते मुस्कुराते रहो, गुड थिंकिंग रखो, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता. थैंक यू अदु, हाउ स्वीट. हाय जिया. थैंक यू अदु, बहुत ही मतलब प्यारी प्यारी बात की तुमने. Hey, that is good, yaar. Pooja, I'm good, yaar. You say. बस अब मुझे शुरू कर देना चाहिए. इफ यू कैन प्लीज इस लिंक को शेयर कर दो बच्चे, सो दैट हमारे बच्चे यहाँ पर हमको ज्वाइन कर सके. इफ पॉसिबल प्लीज लिंक दिस शेयर एज मच एज यू कैन. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्लस के बारे में बताती हूँ. एज यू ऑल नो कि हम अनअकैडमी में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और अनअकैडमी में अगर तुम अपने आप को सब्सक्राइब करा लेते हो, राइट, अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो तुमको फुल सिलेबस गाइस अभी इसी वीक जो है शुरू हो गए हैं. न्यू सिलेबस कोर्स, पूरा सिलेबस तुम लोग को कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, लाइव, बिल्कुल लाइव टीचर के सामने डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एवरीथिंग. मतलब इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस. मतलब मैं यहाँ पर जो भी बोल रही हूँ लाइव बोल रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं. हाँ, ज़रूर ज़रूर लाओ अदु, अपने फ्रेंड्स को बुला कर लाओ. एवरीवन गाइस, आज नया चैप्टर है, इस लिंक को जितना शेयर कर सकते हो उतना कर दो, सो दैट यहाँ पर सारे बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें. साइका, हेलो बेटा. साइका एक दो दिन से आ नहीं रहे थे बच्चा. ठीक है, ये सब चीज़ें गाइस देखो आपको मिलेंगी. पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, लाइक अगर सपोज आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो आइकॉनिक वाली, तो सपोज आई विल बिकम योर पर्सनल मेंटोर, तो हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे. वन टू वन टॉक होगा, पेरेंट्स के साथ टॉक होगा, मतलब लॉट्स ऑफ फीचर्स. पुलकित,
आज हम अ न्यू चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. सन्मिता, गुड मॉर्निंग. हे सैमी, सो आई होप आप समझ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. न्यू बैचेस हैं यहाँ पर, देखो आप देख सकते हैं न्यू बैचेस. और ये टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर है, क्रिएटिव कॉर्नर है, जिससे कि आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलेगी. बिल्कुल संजय, मैं बीएसटी भी कराती हूँ और अन अकेडमी में मेरे फुल ईयर कोर्सेज चल रहे हैं बीएसटी के और 12th और 11th दोनों के, राइट. सो इकोनॉमिक्स बीएसटी का जिम्मा पूरा पूरा मैंने उठाया हुआ है. तुम लोग को सिर्फ मुझे अपना 1 आवर देना है, जिसमें कि तुम लोग की मैं पूरी पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगी, फुल टू प्रैक्टिस. और मुझे अभी काफ़ी लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मेरे कहने पर, तो मैं सीरियसली यहाँ पे तुम लोग को रेकमेंड करती हूँ, हर रोज़ रेकमेंड करती हूँ और मैं करते रहूँगी, क्योंकि ये एक नॉबल चीज़ है. मतलब अगर तुम्हें 1500 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं 300 रुपया महीना देने में, 300 रुपया महीना देने में तुम्हें फुल सिलेबस ऑफ 1 सब्जेक्ट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से 300 रुपये की कॉफ़ी पीने से तो बेटर है तुम 300 रुपये यहाँ पे खर्च लो. प्रियंका, गुड मॉर्निंग. नहीं नहीं अभी नहीं हुआ पुलकित कोरिलेशन, अभी सिर्फ हमने सेंट्रल एंड एनसी ख़त्म किया है. और अभी आज जो है मैं यहाँ पर डिस्पोजन शुरू करा रही हूँ, बिकॉज मैंने क्या किया है पुलकित एंड एवरीवन, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना रहे, मैंने ना एक सीक्वेंस ही फॉलो कर लिया. मतलब बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में ही मैं सब कुछ करवा रही हूँ. फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हमने स्टैटिस्टिक्स का शुरू किया हुआ है और उसके बाद से हम अब चल रहे हैं. प्रियांशी, हाय. राइट, सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारा सिलेबस का जिम्मा मैंने लिया हुआ है और बस तुम लोग रोज मेरे पास आते जो. शुभाश्री, हाय बेटा. हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम. नहीं 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 यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती हूँ मैं, संजय अन अकेडमी पर मैं पढ़ाती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस, मैं कुछ स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर लूँ. दो रुपए वाला पाउच लो और कॉफी बना के पी लो. हाँ ये भी बात ठीक है, बट हर बार पाउच नहीं लिया जाता ना सैमी. लोग पीने वाले पीते हैं, यू ऑल नो यार. हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसा जो है फालतू चीज़ों पे बहुत जल्दी खर्च लेते हैं, और जब भी कोई अच्छी चीज़ पे खर्चना होता है ना तो हम लोग 100 बार सोचते हैं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है यार. आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना उसमें भी मैं ये एग्जांपल देती हूँ. हम लोग, मैं भी इंक्लूडिंग नहीं है यार. जब हमने किसी के सामने शेखी मारनी होती है ना, पंजाबी में कहते हैं ना शेखी, कि हाँ सपोज तुम किसी अपने फ्रेंड्स के साथ गए हो, तुमने वहाँ पे शेखी मारनी है, हाँ मैं तो बड़ा रिच हूँ जी, तो तुम क्या करोगे, तुम जितने भी वहाँ पे पैसे हो सकेंगे ना खर्च कर लोगे, ठीक है. और जब अपने पे अपने एडवांटेज के लिए बात आती है ना पैसे खर्चने की, तब नहीं हम लोग खर्चेंगे, तब हम लोग 100 बार सोचेंगे अरे नहीं यार क्यों ऐसा क्यों यार, बचा लेते हैं यहाँ पर पैसे, है ना. और जब बचाने होते हैं तब हम बचाते नहीं. या आई नो पुलकित, आज तो हमारा मानस, गुड मॉर्निंग. आज तो वैसे भी हमारा उधर भी प्रोडक्शन फंक्शन ही शुरू होना है. ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैं जरूर रिपीट कर दूंगी प्रियांशी, थोड़ा सा मुझे डिस्पर्शन स्टार्टअप करने दो राजा, उसके बाद क्या बच्चों को थोड़ा सा जब तक सम कर रहे होंगे ना, मैं आपको प्रेजेंटेशन रिपीट कर दूंगी, ठीक है. मुझे बस एक बार दोबारा तुम याद करवा देना. हाँ बिल्कुल, डिंगे हांक नहीं होती है मानस, सब लोग यहाँ पे हांकते भी हैं. राजविंदर, गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों से आ नहीं रहे थे, क्या बात है, क्या हालचाल. हाँ इज्जत का सवाल, देखा तुम सब लोग एग्री कर रहे हो और तुम लोग स्माइल भी कर रहे हो यहाँ पे. हाँ यार ये तो मैम ने सच बात कह दी है ना, तुम लोग यहाँ पे एग्री भी कर रहे हो, ये सच्चाई है यार, सच्चाई है. चलो आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट. अरे चौके केतन, चौके अभी शुरू ही हो रहा है, 5-10 मिनट्स तो यू नो मैं हमेशा वेट करती हूँ, बिकॉज मेरा भी यहाँ पर मन होता है कि अगर तुम लोग आ ही रहे हो तो यार स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करें. चलो अभी बिल्कुल कॉपी पेन पकड़ लो गाइस, बहुत स्लो स्पीड से मैं यहाँ पे कराऊंगी, बिल्कुल भी फास्ट नहीं कराऊंगी, सो दैट मेरे यहाँ से बोला हुआ वर्ड सीधा आपके दिमाग में कैच हो जाए और पेपर में भी तुमको कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े. मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजविंदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. हे
Hey Ketan, a very happy morning. I really wish, guys, मैं सुबह सुबह तुम लोग को मिलती हूँ और मैं भगवान को प्रे करती हूँ कि सब बच्चे देखो यहाँ पे सुबह सुबह कितनी गुड इंटेंशन से मेरे पास आए हैं पढ़ने के लिए. सो भगवान करे इनका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए. ठीक है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम कर रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको कराया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, मैं हमने बहुत अच्छे से किया. वी हैव टेकन 7 to 8 days टू कंप्लीट दैट चैप्टर, क्योंकि अभी जो फर्दर बचा सारे चैप्टर्स हैं ना, उनका बेस जो रहेगा वो सेंट्रल टेंडेंसी ही रहेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिस्पर्जन, क्या समझते हैं गाइज आप डिस्पर्जन वर्ड से? मतलब डिस्पर्जन क्या समझते हैं? वॉट इज डिस्पर्जन? मतलब सिंपल इसका मीनिंग आप मुझे बताइए कि डिस्पर्जन से हम क्या समझते हैं. इट इज गाइस वेरिएशन. इट इज वेरिएशन. बड़ी प्रैक्टिकली मैं तुम्हें चीज को बताऊंगी लॉजिकली, कि तुमको समझ लगे कि वाकई यार अच्छा तो ये चीज है डिस्पर्जन. वेरिएशन, नॉट स्प्लिट पुलकित. एग्जैक्टली, नॉट स्प्लिट. स्कैटर्डनेस कह सकते हो आप, स्कैटर्डनेस. अच्छा, अभी इसको ना थ्रू एग्जाम्पल हम समझते हैं. एक सीरीज मैं यहाँ पे बनाती हूँ. ठीक है, 25, 30, 24, 35, 26 ये सीरीज है. मुझे प्लीज इसका मीन बताएंगे आप? मुझे मीन बताएंगे इसका मैम? इसमें कुछ पोर्शन, हाँ, बहुत ज्यादा रिमूव हुआ है मानस, वो मैं नहीं कवर करूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से है. इसमें मेन अभी जो करने वाला है प्रियम, इट्स ओके, वो पोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन ही है. गाइस मुझे इसका टोटल और इसका मीन बताइए, इसका टोटल और इसका मीन. कम ऑन एवरीवन, आई एम वेटिंग ओवर हियर. 140, इज इट ओके? मैं खुद नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेथ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, अच्छा, अभी इसका मीन, मीन ये टोटल हो गया ना, इसका मीन 140/5 आ जाएगा. 140/5, यस, इट विल बिकम 28. ठीक है, अभी तुमको क्या करना है, ये 28 क्या निकली, ये क्या निकली बेटा? इट्स अ सेंट्रल वैल्यू. बहुत धीरे समझाऊंगी गाइज मैं आपको, बहुत धीरे, मतलब तुम लोग को लगेगा ही नहीं कि हम आज कुछ नया कर रहे हैं. इट्स अ सेंट्रल वैल्यू. अभी डिस्पर्जन जो है ना, ये जो डिस्पर्जन नाम का बंदा है, इसने मालूम क्या करना है, ये क्या करेगा, अभी इस सेंट्रल वैल्यू से ना डिफरेंसेस देखेगा. सेंट्रल वैल्यू से ना डिफरेंसेस देखेगा. मैं बताती हूँ कैसे. एक्स माइनस एक्स मीन, ये तुम्हारा एक्स मीन निकला ना, दिस इज योर सेंट्रल वैल्यू. तो हर एक को इस 28 से माइनस करते जाओ. -3, 2, -4, -35, -28 इज 7, एंड 26, -28 इज -2. ये समझ आई बात? सो ये क्या थी, ये क्या थी, ये चीजें क्या हैं? इट इज वेरिएशन. क्या है? वेरिएशन. हम ये देख रहे हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू से डाटा कितना वेरी कर रहा है. इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक इसका सम कराऊंगी. ये माइनस किया है मैंने, हेमा, ये मैंने माइनस किया है, ये मैंने मीन निकाला था, तो ये सारी फिगर्स में से मैंने 28 को माइनस कर दिया. जैसे 25 - 28, अगर मैं इधर बात करूं 26 - 28, ये बस अब तुम्हारा 3 दिसंबर से पहले पहले क्लियर हो ही जाएगा. ये इतना क्लियर हुआ हेमा? क्लियर हुआ राजा? तभी मैं आगे चलूंगी. एज पर द रूल ऑफ द क्लास, जब तक तुम सारे बच्चे यहाँ पे यस नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलूंगी.
हेमा जी क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे पक्का विश्वास है, बिकॉज यू आर सच अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माइंड। ठीक है, ओके, बिल्कुल मैं सिंपल वे से तुम्हें समझाऊंगी। पहले एक बार तुम सम्स में परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर मैं बाद में तुम्हें इसके लॉजिक्स भी बताऊंगी। हाँ हाँ संजय कराऊंगी, पहले सिंपल सम करेंगे। अब मैं एक इसका फॉर्मूला तुम लोग को बताने लगी हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका साइन क्या है, पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ। हर चीज़ का एक तरीका होता है पेपर में अटेम्प्ट करने का। सेंट्रल टेंडेंसी में इंडिविजुअल है, नहीं इंडिविजुअल सीरीज तीनों आएंगी, सीरीज तीनों आएंगी जानकी। मैं यहाँ पे तुम लोग को रिक्वेस्ट करूँगी, पहले थोड़ा सा इस चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करो बिफोर पुटिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि अभी इट्स सिंपली अ फर्स्ट डे। इसका जो सिंबल होता है दैट इज़ लाइक दिस। जब तुम्हें ऐसे का सिंबल दिखे इसका मतलब होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, लिख लीजिए इसको एक जगह पे, फिर इसका लॉजिक भी हम देखेंगे। x उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अभी तुम लोग पूछोगे मैम ये स्मॉल x क्या है, राइट। हे सुपर फास्ट, गुड मॉर्निंग। अभी मैं इसका तुम्हें बताती हूँ स्मॉल x क्या है। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी ना, बस वही स्मॉल x है। x माइनस x मीन वेरिएशंस, ये देखिए ये जो हमने फाइंड आउट किया था ना, एक्चुअली दिस इज स्मॉल एक्स। सिंपल सी बात है, हम वेरिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो एवरेज को डिस्टॉर्ट कर रही है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें भी गाइज तीन मेथड्स आएंगे, वैसे ही जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था ना, तीन मेथड्स इसके भी आएंगे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है दिस वन, ये है आपका डायरेक्ट मेथड, इट इज अ डायरेक्ट मेथड। ओके, इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हुआ टू एवरीवन? ओके, आई एम सो हैप्पी। अभी मैं तुम्हें एक सम दे रही हूँ, वो इकट्ठे मिलके हम सॉल्व करने वाले हैं। इंडिविजुअल सीरीज का सम है इन अ वेरी वेरी, इसमें ना मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और यहाँ पे हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट पेपर में निग्लिजिबल चांस रहे और तुम्हारा करेक्ट ही हो हर हाल में ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, एक मिनट, पेन तो मैंने ले लिया यहाँ पे। मार्क्स, कम ऑन गाइस, फटाफट से मेरे साथ साथ सॉल्व करो इसको। 40, 44, 54, 60, 62, 64, 70, 80, 90, 96, ये मैंने लास्ट पकड़ लिए। सो ये है आपके मार्क्स का कॉलम आ गया, और इसको हम इन स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? अरे इट्स ओके प्रियांशी, इट्स ओके माय बच्चा, इट्स ओके राजा, एंड ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। कॉन्फिडेंटली पेपर करके आना है, कॉन्फिडेंटली प्रियांशी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इतनी सारी तुमने मेरी वीडियोज देखी हैं, बी कॉन्फिडेंट बाई गिविंग द आंसर्स, ठीक है बच्चा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे स्मॉल x। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का तुमको सम आए, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि मैम ने वेरिएशन बताई थी और वेरिएशन निकालने के लिए हमको स्मॉल x निकालना है, जिसकी वैल्यू रहेगी x माइनस x मीन। सो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे, x मीन निकालना। देखा ना यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी काम आ रही है। अब जिस बच्चे को x मीन ही नहीं निकालना आएगा, वो खुद ही सोचो, वो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को तो कर ही नहीं सकता। सो जल्दी से आई एम वेटिंग ओवर हियर, मुझे यहाँ पे x मीन निकाल के दिखा दो। x मीन सिंपली मुझे x मीन निकाल के दिखा दो यहाँ पर, मैं वेट कर रही हूँ। पहले इसका टोटल करेंगे हम
और उसके बाद हम एक्स मीन निकालेंगे. एवरीवन, रिचा, इट शुड बी 66, टोटल इज 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज एक बार चेक कर लीजिए. सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, अकॉर्डिंग टू मी टोटल इज 660 डिवाइडेड बाय एन, तुमको दिया हुआ इट इज 10 एंड मीन कम्स आउट टू बी 66. एक बार प्लीज चेक कर लो रिचा एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल्सो, फिर हम आगे चलेंगे. ओके, जानकी ने 66 बोल दिया है. रिचा आप भी प्लीज एक बार चेक कर लीजिए. शुड आई मूव फर्दर? ओके, अभी मैं आगे चल रही हूँ, आगे चल रही हूँ. अब मैंने क्या निकालना है यार, अब मैंने निकालना है स्मॉल एक्स, और स्मॉल एक्स इक्वल रहेगा एक्स माइनस एक्स मीन के. बहुत बच्चों की तरह मैं यहाँ पर करा रही हूँ तुम लोग को. अब एक्स 40 है माइनस 66, हर कॉलम ऐसे ही आ जाएगा. दूसरा 44 माइनस 66, ओके 54 माइनस 66, लाइक दिस सारा ऐसे ही चलता जाएगा. 60 माइनस 66, ओके. अभी मैं सारा स्मॉल एक्स लिखने लगी हूँ. अरे इट्स ओके रिचा, मैं समझ ही गई थी ऐसे एक वर्ड का तो अभी फर्क नहीं आना चाहिए था, बट इट इज कम्प्लीटली फाइन. ओके सेमी, आ गया समझ? अभी देखो, अभी माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है. बेटर है इनिशियली, अगर तुमको इन सम्स की प्रैक्टिस नहीं है ना, राइट इट डाउन लाइक दिस. एक भी यहाँ पे जो गलती होती है ना, वो प्लस माइनस की, एक भी तुम माइनस का साइन प्रीफिक्स करना भूल गए, ठीक है, तो तुम्हारा सारा सम गलत हो जाएगा. यहाँ पे स्मॉल एक्स निकालना ही सबसे बड़ा जो है वो काम है. वैसे तो हमने इसका एक्स स्क्वायर कर ही देना है बाद में, बट फिर भी यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस चीज का ध्यान रखा जाए. हाय राजन, हाउ आर यू बेटे? देखो, जो लोग तो यहाँ पर सीरियसली वाला पढ़ने आते हो ना, उनके लिए तो इट्स अ गोल्डन चांस यार. ये चीजें तुम्हें इस तरह से कभी कोई नहीं सिखाएगा कि साथ साथ में हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में तुम सॉल्व कर रहे हो. अभी फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, सिंपली मैंने अभी स्मॉल एक्स निकाला है राजा सेमी, अभी मैंने सिंपली ये निकाला है. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया. फॉर्मूला अब मैं लिखने लगी हूँ, फॉर्मूला अब मैं लिखने लगी हूँ, और ये तुम लोगों को आज मैं याद करवा के रहूंगी फॉर्मूला. मैंने तुमको बताया स्टैंड डेविएशन का साइन होता है ये, और इसका फॉर्मूला रहेगा प्यारे बच्चों, समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंड डेविएशन. इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन मैं निकालती हूँ. अभी स्मॉल एक्स तो मैंने निकाल लिया, स्मॉल एक्स तो मैंने निकाल लिया. अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा राजा? अब मुझे निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्स स्क्वायर. इसका स्क्वायर करते जाओ. और सबको पता है ना, जब माइनस का स्क्वायर होता है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो 676 के आगे तुम्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं यहाँ पे सबका लिख रही हूँ स्क्वायर. इसमें योर कैलकुलेशंस सेमी, स्मॉल एक्स जो है बेटे, दैट इज बिग एक्स माइनस एक्स मीन. सेमी, आपने एक्स मीन निकाल लिया बेटे, एक्स मीन आपने निकाल लिया. बस उसको माइनस कर दीजिए आप. यहाँ तक बेटे अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी. एज आई नो इट इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग ऑन दिस 900. ये मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया है. अरे इट्स ओके माय डियर सैमी, इट्स ओके. आई एम हेयर टू डील विद योर कंफ्यूजन्स. हे पुलकित, इज इट क्लियर? दिस यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी. राजन आप कर रहे हो मेरे साथ साथ, रिचा, एवरीवन गाइस, एवरीवन, जितने लोग भी मेरे से, आनंद, जय,
Manas, Priyanka, Sanjay, everyone, are you doing it now? Square हमने small x का निकालना है बच्ची, हेमा इसी का निकालना है, अब इसको भूल जाओ तुम, अभी तुमने ये निकाला ना, ये अभी इसी का स्क्वायर करेंगे। हाँ अर्पिता वो तो मैं दूंगी, अभी तो इसको कंप्लीट करेंगे ना, ये अभी इंडिविजुअल सीरीज करवा रही हूँ मैं, इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा तभी आगे जाने का फायदा होगा। अच्छा अभी इसका टोटल टोटल करेंगे, इसका इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आया 3048 3048। नहीं 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 जानकी, सिंपली तुम्हें करना ही पड़ेगा, और ये तो वैसे भी मतलब थोड़े छोटे छोटे से ही हैं, धीरे धीरे जब तुम स्टैंड डिवीजन की प्रैक्टिस कर लोगी ना राजे, तो काफ़ी स्क्वायर्स तो याद ही हो जाते हैं, 25 तक तो वैसे याद होने चाहिए स्क्वायर्स, इट्स अ रूल ऑफ मैथ्स यार, इसी से तुम्हारी कैलकुलेशन और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट जानकी, और तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारा वैसे ही फटाफट हो जाना है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया 3048, मैं यहाँ पे इसको 3048 को लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय एज इट इज इंडिविजुअल सीरीज, तो एन हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इज नंबर, और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 304.8 का स्क्वायर रूट अभी हमने करना है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम सबको क्यों डिफिकल्ट लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं इसलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन काम ज्यादा है, कैलकुलेटिव, अभी स्क्वायर रूट भी तुमको निकालना आना चाहिए, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 17.4585। प्लीज इसको एक बार करिए एवरीवन, इसको मैंने पूरा वीक दिया हुआ है गाइज, अगर तुम्हें आज थोड़ा सा टफ लग रहा है डू नॉट वरी, जब तक ये वीक का एंड होगा तुम, हे कार्तिक रियली मैं सोच ही रही थी, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे, बट यू हैव कम, थैंक यू। अगर मैं इसको 2 डेसिमल में ले जाऊँ तो 17.46 इज द आंसर गाइस, प्लीज इसको एक बार देखिए, आई होप इट इज क्लियर। मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, फिर मैं एक और सम कराऊंगी, 3-4 सम्स कर लेंगे ना इसके, कार्तिक आज हम स्टैंड डेविएशन कर रहे हैं राजा, 3-4 सम्स कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं अभी इंडिविजुअल सीरीज का ही एक और सम दूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दे दूंगी ना तो हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, बट नो हम सिंपली करेंगे यार। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द अनदर सम गाइस, एक और सम के लिए तैयार हो? अरे हाँ यार मैम बिल्कुल तैयार है। चलो कार्तिक मैं सम दे रही हूँ, उसके साथ साथ ही मैं समझा भी दूंगी आपको एक बार दोबारा। मैम ये जो फाइनल आंसर आया है ये क्या शो कर रहा है कि मीन सीरीज का क्या है, ये शो कर रहा है कि जो आपका मीन आया है 66, ठीक है, उसकी पूरी सीरीज से 17.46 की वेरिएशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसने पूछा था ये क्वेश्चन मुझे, साइका ने, साइका है, कुंदन गुड मॉर्निंग, आनंद क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है राजा, आनंद बेटे आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, नहीं निकालना था कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सिखा दूंगी, ठीक है अभी सिखा दूंगी कुंदन, इट्स ओके अभी सिखा दूंगी, पहले मैं एक नेक्स्ट सम दे रही हूँ,
डू नॉट वरी आनंद, मैं बता दूंगी आपको, अदरवाइज जो है, हाँ मैं बता देती हूँ, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, पर अदरवाइज जो है ये स्क्वायर रूट जो है इट्स मैथमेटिक्स. हाँ श्योर 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 श्योर, ओके. चलो अभी मैं नेक्स्ट एक और सम दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बी रेडी फॉर इट. छोटा सा सम दूंगी सो दैट तुम लोग भी कर पाओ इसको जल्दी से. एक्स 30, ओके 40, साइका क्लियर हुआ ना, 70 और 100, दैट्स इट दैट्स इट. ये करो, आपको मैंने सम दिया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट यार, ये तो कर ही सकते हो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. आई एम वेटिंग ओवर हियर. हाँ हाँ अदु, मैं समझा रही हूँ बेटे, डू नॉट वरी, मैं समझा रही हूँ, बिल्कुल समझा रही हूँ. कुंदन आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए. हे साक्षी गुड मॉर्निंग, हाय मेरे बच्चे लेट हो जाते हैं. अरे कार्तिक को क्लियर भी हो गया, वाह दैट इज गुड यार, दैट इज गुड. हाय शेलू, हाय मेरा बच्चा, हाउ आर यू, इज द वेरिएशन ऑफ, यस साइका एग्जैक्टली, बस 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 यही है, यही है मेरी बच्ची, ग्रेट. अच्छा सबसे पहले मैं तुमको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ, पहले तो एक्स मीन निकाल लो, फर्स्ट स्टेप एक्स मीन. एक्स मीन कितना आया मुझे बता देना. एक्स मीन आता है 44, नो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग हेमा. इसका टोटल करिए क्या आता है, इसका टोटल आता है 300, ठीक है. तो एक्स मीन जो है वो आएगा, एक्स मीन जो है वो आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाय नंबर, एंड नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो 300 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स आउट 60. सो एवरीवन मीन सबका निकल आया 60, मीन सबका निकल आया. मेरे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं केतन, एक तो बिल्कुल फ्रेश कोर्स शुरू हुआ है, दैट इज अ फुल ईयर कोर्स. या अभी तुम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, अभी तुम लोग को स्मॉल एक्स निकालना है. अभी स्मॉल एक्स जो है मैंने तुम्हें बताया ना, इट इज एक्स माइनस एक्स मीन, यस और नो. अभी बस ऐसे ही करो, 30 माइनस 60, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओहो एक मिनट, स्पीड से करते जाओ. ठीक है, इट कम्स आउट माइनस 30, माइनस 20, 0, 10, 40, और इसका टोटल जो है बिल्कुल जीरो आ जाएगा. इसका टोटल कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है, समझ आया, यहाँ तक आया ना समझ, 60 है ना, हाँ बिल्कुल. अच्छा 60 हुई है पुत्र जी. अच्छा ये स्मॉल एक्स आ गया, अभी क्या करना है तुमको, स्मॉल एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो. सिंपल सम दिया मैंने, 900 400, ठीक है ना साइका, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सुपर फास्ट, बिल्कुल ठीक. उसके बाद 0, उसके बाद 100, उसके बाद 1600, और इसका जो टोटल है इट विल कम आउट 3000. यहाँ तक हो गया क्लियर, इसके बाद मैं एक और सम दूंगी यार, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम लोग को इतनी जल्दी, बिल्कुल दिमाग के अंदर जब तक तुम्हारे घुस नहीं जाएगा ना. एग्जैक्टली करेक्ट रिचा, रिचा के लिए तालियां यहाँ पर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो वाओ साइका, दैट इज गुड दैट इज गुड. चलो आगे 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 क्या करना है, आगे अभी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना. तो फॉर्मूला क्या है इसका मेरे बच्चों, फॉर्मूला है इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 3000, एन है तुम्हारे पास 5, इट विल कम आउट 600, और 600 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24.495. ओके
इज दिस क्लियर? बस ये स्टैंडर्वेशन था, एक और सम कर लो, फिर मैं तुमको डिस्क्रीट सीरीज करवाने वाली बनूँ. यस सेमी, एग्जैक्टली करेक्ट. एक और सम कर लो, फिर मैं तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज करवा दूंगी. ओके या इसमें मेरे पास है 90, 110, 140, 150, 160. ओके चलो ये करो. अभी अभी सबसे पहले क्लियर हुआ ना, अभी अभी खुशी हो रही है ना. मैं तुम्हें बताऊं, जब चीजें क्लियर हो जाती है ना, जब अंदर नॉलेज चले जाती है, तो अजीब सी ना अंदर एक हैप्पीनेस की वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं. सो आई होप वो तुम लोगों में भी आ रही है, क्योंकि अभी हमें इंडिविजुअल सीरीज जो है वो क्लियर हो गई है. या ये बताइए मुझे एक बार, पहले तो एक्स मीन कितना आता है? गुड प्रियंका, जो लोग तो सीरियसली यहाँ पर स्टैंडर्वेशन कर रहे हैं उनके लिए तो इट्स इट्स लाइक अ डायमंड्स, सीरियसली. या चलो जल्दी बताइए मुझे, क्लियर हो गया ना? इट्स स्क्वायर, इट्स स्क्वायर माय डियर साक्षी, इट्स स्क्वायर. जल्दी करिए, इसके बाद मैं डिस्क्रीट सीरीज करवाऊंगी. इसमें यू नीड टू कैलकुलेट एक्स मीन. अभी किसी ने नहीं मुझे कैलकुलेट करके बताया. सेमी कह रहा है एक्स मीन इज 650. 650 इज टोटल. नहीं, साइका, 650 इज टोटल, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो साइका, 650 डिवाइडेड बाय एन, एंड एन इज 5, तो ये तुम्हारे पास आएगा इट इज 130. इट इज 130, यस इट इज 130. अभी व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, फटाफट से सारे स्मॉल एक्स निकाल लो, फटाफट से सारे यहाँ पर स्मॉल एक्स निकालो. अभी थोड़ी स्पीड बढ़ जानी चाहिए. ठीक है, अभी क्या करना है, इसका स्क्वायर. ओके, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 3400. बस नाउ व्हाट यू नीड टू डू, फॉर्मूला आना चाहिए स्टैंडर्वेशन का, इट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आया है 3400 डिवाइडेड बाय 5, इट विल कम आउट स्क्वायर रूट 680, विच इज 26.077. ये बेटा आया है, और ये अभी मैंने सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट मेथड करवाया है यहाँ पर, डायरेक्ट मेथड. या आई होप इट इज क्लियर. अभी डायरेक्ट मेथड के बाद ना हम कर रहे हैं शॉर्टकट. ओके, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट रहेगा. मैं क्या करती हूँ, इस सम को ना एज्यूम्ड मीन से तुम्हें करके दिखाती हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा. इस सम को फर्स्ट जो हमने किया था ना, हाँ ये सम को, इसको गाइस हम एज्यूम्ड मीन से करते हैं, ठीक है, क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी. आर यू रेडी फॉर इट? एज्यूम्ड मीन से करेंगे. साइका, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं ये सम्स काफी बार कर चुकी हूँ, काफी बार कर चुकी हूँ. सो यू कैन से द ट्रिक इज प्रैक्टिस ओनली, द ट्रिक इज प्रैक्टिस ओनली. बाकी ये जो स्क्वायर रूट वगैरह, ये भी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मेरा जो यहाँ पे मेन फोकस है ना आज का, वो ये है कि तुम लोग को ये जो चीजें है ना स्टैंड एवेशन वाली, ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए.
इनके फॉर्मूलाज एंड ऑल ना तुमको प्रॉपरली क्लियर हो जाए, और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है साइका डायरेक्ट मेथड तो इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओए होए, ठीक है। सो अभी मैं ना एज्यूम्ड मीन करवाने लगी हूँ। स्टैंड डेविएशन की एक प्रॉब्लम ये होती है गाइस, समझ आने को आ जाता है बट जब पेपर में सॉल्व करने की बात आती है ना तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो उसका एक ही हल है यार, प्रैक्टिस और लॉजिक्स। लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। अभी लॉजिक हमको क्लियर हो गया कि हम बेसिकली जो है जो एक्स मीन है उसकी वेरिएशंस देख रहे हैं डाटा में से, कि आखिर एक्स मीन कितना को फर्क है एक्स मीन में, लाइक दैट ओनली। अच्छा अभी मैं एज्यूम्ड मीन करवाने लगी हूँ बच्चा लोग। एज्यूम्ड मीन सबको पता है, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है डी एक्स। क्या निकालना पड़ता है? डी एक्स। तो हम पहले डी एक्स निकालेंगे। मैं पेन जो है चेंज कर लेती हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, ये ले लेती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे डी एक्स। ये मैंने रब नहीं किया गाइस कि तुमको पता रहे कि ये वाला जो मेथड था ये डायरेक्ट मेथड था, ये इसलिए मैंने रब नहीं किया है। अभी वही बात आ गई ना, सेंट्रल टेंडेंसी हमने अच्छे से किया हुआ है तो ये खुद ब खुद हो जाएगा अपने आप। अभी डी एक्स निकाल लो इसमें से। तो डी एक्स कैसे निकलता है, सबको पता है एक्स माइनस ए। तो इसमें से ना यू नीड टू टेक वन एज्यूम्ड मीन, कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लो, कोई भी। मैं 60 ले लेती हूँ, आप भी कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 60 लेना है। अगर मेरे साथ चल रहे हो यहाँ पे तो 60 भी ले सकते हो। ठीक है, माइनस करके हम यहाँ पे जैसे मीन में करते थे यार, सेम चीज चल रही है। ठीक है, ये डी एक्स ये निकल आया, डी एक्स सबका निकल आएगा। अभी जब डी एक्स निकल आया, अभी तुमने क्या करना है, डी स्क्वायर ले लेना है, मतलब इसका स्क्वायर ले लो। डूइंग ना, इसका स्क्वायर ले लो। कम ऑन एवरीवन, ये ले लिया हमने, इतना क्लियर हो गया। डी एक्स हेमा जैसे हम निकालते थे एक्स, ये है ना एक्स, इसमें से ज़ूम्ड मीन माइनस किया है, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला ये कॉन्सेप्ट हेमा जी। डी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए के इक्वल है, एक्स माइनस ए, एक्स ये है इसमें से ज़ूम्ड मीन। इतना क्लियर हो गया एवरीवन। अभी सिंपली क्या है, एक फॉर्मूला मैं तुमको बताने लगी हूं, जादुई फॉर्मूला जो तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ 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 सेमी, इसका टोटल वुड बी 60। इसका टोटल जो है वो 60 आएगा, बिल्कुल। अब मैं इसका तो मैं देने लगी हूँ एक फॉर्मूला जो कि बहुत सिंपल है। जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस होल सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट करने में बहुत बार लोग गलती करते हैं, बहुत बार। कैसे करेंगे, ये है सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर का टोटल, समझे, डी स्क्वायर का टोटल मतलब इसका टोटल। इसका टोटल कितना आता है, 3408। ध्यान से समझो, मैं दोबारा समझाऊंगी, डू नॉट वरी।
डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारे पास 10, कितना है 10। इसमें से माइनस क्या करना है, सिग्मा डी का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा डी इसका टोटल इसका स्क्वायर। मैं दोबारा फिर समझाऊंगी, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना दोबारा फिर समझाऊंगी। तो सिग्मा डी ये था 60 अपॉन 10 का स्क्वायर, ये फर्क है इसमें, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, तो ये 340.8 माइनस 36, तो ये आपके पास वही चीज आ गई जो पहले आई थी, इट विल कम आउट 304.8, जो कि तुम्हारे पास आ जाएगा 17.45। नॉट 100 वेटेड, इट्स 10। अभी मैं एक स्लाइड पे ना तुम्हें एक बार ही फिर से बता रही हूँ एक चीज, इसका फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ बच्चा लोग, एज्यूम्ड मीन का प्लीज तुम लोग भी लिख लो, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। जो डायरेक्ट मेथड था उसमें सिंपल फॉर्मूला जो हमने यूज किया था दैट वाज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, उसी हिसाब से हमने ये बना दिया। बट क्योंकि ये एज्यूम्ड मीन था तो इसमें से हमने एक चीज माइनस की है, वो माइनस क्या की है, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये मैं तभी अगली स्लाइड पे आ गई हूँ ना, माइनस नहीं आएगा, माइनस क्यों लिख दिए, 5 माइनस, अगर मैं इस पे अब सॉल्यूशन लगाऊंगी, इस पे सॉल्यूशन क्या आएगा, सिग्मा डी स्क्वायर तुम्हारा कितना था, सिग्मा डी स्क्वायर कितना था, हाँ बता देती हूँ रिचा, बता देती हूँ, 3408 upon 10 माइनस सिग्मा डी था हमारे पास टोटल 60, क्लियर हिमा, अपॉन 10 इसका स्क्वायर। अभी इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 340.8 minus 36, राइट, इट विल कम आउट 304.8 विच इज इक्वल टू 17.45, जैसे पहले आया था। आई होप इट इज क्लियर। रिचा बताओ बच्चे, क्लियर हुआ, फिर से देखो एक बार। मैं इतनी जल्दी आपको बताया, इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम लोगों को पता ही है। आज हमने किया है, ध्यान से देखो एवरीवन, आज हमने किया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्या किया है मैम, हमने किया है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि आपकी डेविएशन क्या समझते हो, डेविएशन चेंज, मतलब हम चेंज मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तीन सीरीज में हम करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और तीनों के अंदर गाइस तीनों मेथड्स आते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, तीनों के अंदर, क्लियर हो गया ना राजा, ऐसे ये तीनों के अंदर, ऐसे ये तीनों। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पकड़ी है और उसमें मैंने तुम्हें दो सीरीज, दो मेथड्स करवाए हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। उसमें डायरेक्ट का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, उसका अंडर रूट, ठीक है, इसी से इसको भी इसी तरह से बनाओ, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, सिर्फ तुमने माइनस क्या करना है, होल स्क्वायर, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। दिस इज द वे टू लर्न द फॉर्मूला।
इतना क्लियर हुआ? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, इतना क्लियर हुआ टू एवरीवन? आई रियली वांट टू नो। एवरीवन इट इज क्लियर ना? एक एक सम करना चाहोगे इसके ऊपर? एक सम और करना चाहोगे इसके ऊपर? एक ये लास्ट सम रहेगा, इसके बाद आई विल एंड अप द क्लास। सेमी क्या नहीं सॉल्व हुआ राजा? एक बार फिर से देख लो, एज्यूम्ड मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। वही वाला दोबारा कर लेते हैं, ये देखो यही वाला दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें एक्स दे रही हूँ 30, 40, 60, 70, 100, राइट? अभी क्या करो तुम, सबसे पहला स्टेप अभी क्या है, तुम डी निकाल लो। डी कोई भी ले लो, मैं 60 ले लेती हूँ, समवेयर इन द मिडल। हाँ साइका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताती हूँ राजा, मैं बताती हूँ। इनकेस ये शाम के बाद टाइम ओवर हो जाएगा ना साइका, डू नॉट वरी, कल मैं आते ही स्क्वायर रूट करा दूंगी, फिकर नॉट मेरी बच्ची, फिकर नॉट। एक बार ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट तो एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ना, वो तो तुम्हें करा ही दूंगी मैं, बट अभी जो मेरा फोकस यहाँ पे जा रहा है ना साइका, कि तुम्हें फॉर्मूलाज की फॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए, और साइका मेरे ख्याल से वो तो तुम्हें पक्का क्लियर हो गई है। माइनस 30, माइनस 20, 0, 10, 30, बोलो साइका राजा। ओ सॉरी 40 आएगा ना यहाँ पे। हाय राजित, मेरे साथ साथ करते जाओ। अब स्टैंड एविएशन शायद ही तुम्हें इतने अच्छे से और इतने स्लो स्पीड से कभी करने का मौका मिले। आपको पता है ये कोर्स जो था, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी क्विक कोर्स, पर मैं आपको इसी तरह से करा रही हूँ कि बहुत ही जैसे ये हम डिटेल्ड कोर्स कर रहे हैं। बस हमको यही चाहिए था, अब इसका टोटल देख लेते हैं। 900 प्लस 400 इज 1300, 1300 प्लस 100 इज 1400, 1400 प्लस 1600 इज 3000, ठीक है? और अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ, सिग्मा डी स्क्वायर 3000 आया ना, डिवाइडेड बाय एन, एन हमारे पास 5 है, माइनस, अच्छा इसका टोटल भी ले लेते हैं, इसका टोटल तो मुझे लगता है 0 आएगा, या इसका टोटल 0 है। अभी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इसका टोटल 0 क्यों आया है, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं अभी क्लियर करने लगी हूँ। 0 अपॉन 5 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 ही होगा, सो ये 3000 अपॉन 5 आ जाएगा, विच इज सिग्मा अंडर रूट 600, विच कम्स आउट 24.9, क्योंकि बाय चांस इस सम में मीन कितना था? 60, यही था ना, इसमें मीन कितना था? 60, और एक मीन की प्रॉपर्टी होती है, व्हेन यू टेक डेविएशन फ्रॉम मीन इट विल रिजल्ट इन 0। जीरो देखो, ये पुलकित क्या कह रहा है? डेविएशन पुलकित 24.495 बेटे, ये देख साइका, स्टार्ट्स खत्म कर लें फिर उसके बाद ही करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग का मोमेंटम बना हुआ है ना ये सॉल्व करने का। हे गिरीश, हेलो बेटा, टोटल आ रहा है ना?
कहीं पे भी आप नोटिस करो, जहां तुम मीन से लोगे वहां टोटल जीरो आएगा, कोई भी देख लो आप, ये देख लो ये जीरो। डेविएशन जब तुम मीन से लोगे जीरो ही आती है, जीरो। यही चीजें मैं तुम्हें बाद में बताना चाह रही थी, बिकॉज अगर मैं पहले साथ साथ लॉजिक क्लियर करती जाती सो इट वुड बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर यू। इसकी भी डेविएशन जीरो आएगी, और इसी का रीजन है, दिस इज द रीजन गाइस कि हम एक्स स्क्वायर लेते हैं। लॉजिक्स की बारी आ गई है, क्योंकि स्मॉल एक्स तो जीरो ही आना है, स्मॉल एक्स तो जीरो ही आना है ना, अब आई समझ, अब आई समझ, ये लॉजिक्स हैं इसके। एक्स मीन से डेविएशन लोगे तो वो तो जीरो ही आएगी, तभी तो हम एक्स स्क्वायर लेते हैं इसमें, दैट इज वाई वी टेक एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई वी टेक एक्स स्क्वायर। अभी मुझे लगता है तुम्हें चीजें धीरे धीरे और समझ आएंगी, अभी देखना। आज फर्स्ट लेक्चर हो गया ना, फर्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को प्रॉपरली पता लग गया कि ये क्या है, किस तरह से हम स्टैंड, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, धीरे धीरे तुम्हें साथ साथ में लॉजिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी प्रियंका। मीन से जब भी पुलकित, मीन से जब भी तुम डेविएशन लोगे ना, उसका टोटल जीरो आएगा। मतलब इन शॉर्ट, जो अगर मैं तुम्हें इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, जो स्मॉल एक्स है तुम्हारा, वो हमेशा उसका टोटल जीरो होगा, क्योंकि जो स्मॉल एक्स है आपका, स्मॉल एक्स उसकी डेविएशन होती है मीन से। तो सिग्मा जो एक्स है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, दैट इज वाई हम एक्स स्क्वायर का सिग्मा लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक साइका, एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अज्यूम्ड मीन बाय चांस से मीन आ गया हमारे पास। हाँ इट्स ओके पुलकित। आई होप गाइज आज का लेक्चर वुड बी रियली बेनिफिशियल टू यू। आज मैंने तुम्हें सिंपली स्टैंड डेविएशन समझाने की कोशिश की है इन अ सिंपल वे, सो दैट तुम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पेपर में सॉल्व कर पाओ, एंड तुम लोग करोगे भी, आई नो इट। और यहाँ पर मैं फिर से तुम्हें बता दूँ, अनअकैडमी पे अगर तुम लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन बच्चा, ज़रूर लो सब्सक्रिप्शन। मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लेना, उससे क्या होगा तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे सारे, राइट। और अगर तुम्हें लेक्चर जो है एडवांटेजेस लगा, सो काइंडली इसको लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना, और जितना हो सकेगा इसको शेयर कर देना गाइस, इसको शेयर कर देना, क्योंकि अगर शेयरिंग इज़ केयरिंग, छोटे बच्चे बोलते होते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, उससे क्या होगा कि इन चीज़ों का फ़ायदा जो है और लोग भी उठा पाएंगे। तुमने तो क्या ही करना है यार, सिंपल क्लिक ऑफ बटन यार, इतना कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। कल सेम टाइम हम फिर से मिलेंगे यहाँ पर, सेम टाइम सेम प्लेस फिर से हम यहाँ पर मिलेंगे, और स्टैंड डेविएशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की है ना, अभी हमारी डिस्क्रीट सीरीज रहती है, कंटिन्यूस सीरीज रहती है, वो हम आराम से बैठ के करेंगे, ओके। टेलीग्राम में नितिका कॉमर्स क्लास, अरे क्या बात है, क्या बात है, नितिका कॉमर्स क्लासेस इज माय टेली लिंक, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, एक मिनट रुको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वेट अ मिनट, नितिका कॉमर्स क्लासेस, ये मेरा टेली लिंक है गाइस, नितिका कॉमर्स क्लासेस, ये मैंने थोड़ा गंदा लिख दिया यहाँ पे, आई होप आप समझ पा रहे हो, का, ठीक है, सिंपली मेरा नाम, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद क्लासेस, ठीक है, एंड फॉलो माय प्रोफाइल, डू फॉलो गाइस, उसी से नोटिफिकेशंस आएंगे आपको, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे बीएन लाइव यूज कर लेना, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। डॉक्टर नितिका भंडारी, यस सेमी, थैंक यू सो मच गाइस,
बहुत मजा आया तुम लोग के साथ मुझे यहाँ पे। बेस्ट पार्ट इज तुम लोग बहुत कॉन्सेंट्रेशन से समझते हो और पढ़ते भी हो। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस प्रैक्टिस एंड लेट्स मीट टुमारो नाउ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गोइंग टू एंड द क्लास राजे, हैव अ हैप्पीएस्ट हैप्पीएस्ट डे अहेड।